Here we have the Royal Enfield's beauty, the Royal Enfield Interceptor Bear 650. And ये जो color scheme है, it looks beautiful. This is like काफी बढ़िया color scheme लग रहा है, yellow, blue के साथ, and it is called Wild Honey. तो नाम भी उतना ही ज़्यादा fancy है, जितना ये color fancy लग रहा है. And सबसे पहले मैं आपको एक quick walk around दे देता हूँ. And today I'm going to ride this motorcycle for you, and I will be sharing the ride review of this motorcycle. तो सबसे पहले quick walk around में, सबसे first चीज़ जो आप नोट करोगे, दैट इज द कलर स्कीम. सो दिस इज ग्लॉस, बेसिकली यहाँ पे आपको ग्लॉस येलो फिनिश मिल जाती है. एंड दिस इज द रॉयल एनफील्ड स्टिकरिंग, यहाँ पे ये सारा स्टिकर है इसके ऊपर, एंड येलो एंड वाइट का बेसिकली मिक्सचर है. ब्लू का स्टिकर मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड स्टिकर में लिखा हुआ है, 3D बैजिंग नहीं है, एंड 1/2 की बैजिंग आ जाती है. इंटरसेप्टर 650 की साइड में बैजिंग मिल जाती है, एंड यू विल सी द ब्यूटिफुल ब्लू कलर सीट, जो कि ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रहा है. एंड इन द फ्रंट फेंडर इज ऑफ वाइट कलर. सो फ्रंट से दिखने में ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, एंड एक्चुअली में भी इस मोटरसाइकिल की जो अपील है, दैट इज़ मोर ऑन द प्रीमियम साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लाइट्स जो है, ये आपको कंप्लीट LED लाइट मिल जाती है, एंड दिस इज़ द सेम यूनिट जो आपको सारी ही रॉयल एनफील्ड्स में 650s में ऑफर हो रहा है. बट यू ऑल्सो गेट द LED इंडिकेटर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से लग रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब लुक जो है वो काफ़ी अच्छी सी एनहेंस कर रहा है. एंड यू ऑल्सो गेट यू सी द बिग फोक्स USD सस्पेंशन इसके अंदर आपको मिल रहे हैं. गोल्डन कलर में नहीं है, ब्लैक कलर में है. एंड यू विल ऑल्सो नोटिस यहाँ पे USD को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है, ताकि बिकॉज दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर टाइप मोटरसाइकिल, सो स्लश वगैरह से आपके जो USDs हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं. सो बिकॉज दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर, यू विल गेट अ 19-inch फ्रंट एंड अ 17-inch रेयर. कहने को ये मोटरसाइकिल इंटरसेप्टर से ही बेस करके ली गई है, बट इसके अंदर जो आपको टायर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं. इंटरसेप्टर में आपको 18 inches मिलते हैं, इसके अंदर आपको 19 and 17 inches मिलते हैं. यू गेट द स्पोक्ड व्हील, सो फॉर द ऑब्वियस रीजन, बिकॉज इससे आप थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह भी करोगे. एंड यू विल गेट द ब्लॉक टायर्स, जो कि ऑफ रोडिंग केपेबल है. अनदर थिंग विच यू विल नोटिस इज द 2:1 एग्जॉस्ट सेटअप. सो सबसे मेजर चीज़ जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट श्रेड भी हो जाता है, दैट इज़ द एग्जॉस्ट सेटअप. दोनों तरफ से जो बाइक है, इंटरसेप्टर जो है बेसिकली, वो काफ़ी बल्की भी दिखती है, बट यहाँ पे आपको सिंगल साइड एग्जॉस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से बाइक ने ऑलमोस्ट 2 kgs लूज करे हैं. सो दिस इज़ द की ऑफ द रॉयल एनफील्ड, जो कि सारी रॉयल एनफील्ड्स की एक जैसी ही होती है. एंड टॉकिंग अबाउट द सीट हाइट, दिस इज़ मोर देन द इंटरसेप्टर, सो इट इज़ अ 830mm सीट हाइट, जो कि आपको बेयर 650 में ऑफर हो जाती है. एंड इट इज़ यू नो मार्जिनली टॉल मोटरसाइकिल. सस्पेंशन भी जो है इसका, जो ट्रैवल है वो बड़ा है. रेयर सस्पेंशन का ट्रैवल भी जो है वो भी लंबा है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आया है इसकी सीट हाइट पे एंड ग्राउंड क्लियरेंस पे. सो ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होनी भी चाहिए थी, बिकॉज दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर स्टाइल मोटरसाइकिल. एंड यहाँ पे सीट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिलेगी. एंड यू ऑल्सो get this. So starting the motorcycle, and bhai 5'9" meri height hai, and flat foot mera ho raha hai, koi problem nahi aa rahi yahan pe, and easy hai bike chalane mein, easy rehne wali hai. And talking about the sitting posture, I think it is a comfortable motorcycle. Thodi si aapko aggressive lagegi, but you get a wide handlebar, so positioning bhi jo hai handlebar ki, that is good enough for this kind of motorcycle. This is the speedometer that is offered on the Himalayan and the Gorilla. So twin pod की जगह आपको single pod speedometer मिल जाता है, which is informational. And यहाँ पर joystick है, जहाँ से आप सारी इसकी settings जो है वो navigate कर सकते हो. You can watch my last video जिसमें मैंने इसको पूरा explain करा है. तो अभी इसको चलाते हैं, and turning this on. So this is how the 2:1 exhaust setup sounds. तो या बेस ही तो है, एंड लेट्स गो. सो द मेजर चेंज इज द इंजन, यू गेट द सिमिलर 648 cc, बट द टॉर्क इज इंक्रीज. सो इस मोटरसाइकिल में आपको 47.5 bhp के अराउंड ऑफर होती है, एंड यू गेट अप्रॉक्सीमेटली 56 nm ऑफ टॉर्क, 56.5 अप्रॉक्सीमेटली nm ऑफ टॉर्क, जो कि लगभग 5 nm ज़्यादा है कंपेयर टू द इंटरसेप्टर. सो या ऑब्वियसली टॉर्क तो इसी, ये बाइक एकदम से यार उछल रही है, एंड दिस इज़ व्हाट वी लव ऑन द रॉयल एनफील्ड.
The overall weight of this motorcycle is 216 kg. So 2 kilo approximately ये जो motorcycle है Interceptor से हल्की हुई है and the major credit goes to the exhaust setup जो दो exhaust हटा दिया and मेरे हिसाब से उससे थोड़ा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो बाइक की ज्योमेट्री भी है वो भी थोड़ी सी क्लीन हो गई है. वो थोड़े बहुत बाहर रहते थे इंटरसेप्टर से ना एग्जॉस्ट, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है. सीट हाइट इज़ ऑब्वियसली यू विल नोटिस द फर्स्ट थिंग कि भाई बाइक टॉल है एंड मेरे को थोड़ा सा वो चीज़ अच्छा लग रहा है चलाने में कि टॉल मोटरसाइकिल हो गई है. आपको एक कमांडिंग पोस्चर इसके साथ मिल जाता है एंड या 6-speed gearbox के साथ ये मोटरसाइकिल आती है and the gear shifting is smooth. Clutch is almost the same as the Interceptor, so no change in that. And bike bhai, yeah, so maneuver karne mein ye bike zyada maza aa raha hai. Pata lag rahi hai wo cheez jo 2 kilo ka weight farak hua hai wo thoda sa aapko pata lagega. Another thing is ki iska jo wheelbase hai that is longer than the Interceptor. So ये bike आपको थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा planted महसूस हो चलाते वक्त, which is again a good thing. Talking about the fuel tank, it gets a 13.7 liter of fuel tank and ये आपको लगभग जो है mileage return करके देगी. वो same ही है, 20 to 25 kmpl के राउंड ही मिलती है. 650cc का इंजन है. मेरे को एक चीज़ अब ये अच्छी लग रही है कि इस बाइक के साथ टूरिंग जो है वो आपको बेटर लगने वाली है. मेरे हाइट के हिसाब से तो मैं एकदम सीधा अच्छा खासा बैठा हुआ हूँ इस पर. मेरे को एग्रेसिव ये बिल्कुल भी नहीं लग रही एंड इनफैक्ट ईजी गोइंग मोटरसाइकिल लग रही है. सिटी विटी में चलाने में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. सो यस, टायर्स जो है इसके अंदर क्योंकि ब्लॉक टायर्स मिल रहे हैं, रोड फोकस टायर्स ये एग्जैक्टली नहीं है बट यस ड्यूल पर्पज़ टायर है. बट इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर रोड फोकस टायर तो आप चेंज करा सकते हो. अदरवाइज ये मोटरसाइकिल स्क्रैम्बलर बेस्ड है तो आप स्क्रैम्बलर ऑफ रोडिंग के लिए बेसिकली इस बाइक को निकालो और बढ़िया से इसको यार चलाओ. यू विल इंजॉय दिस मोटरसाइकिल एंड यस द जो सस्पेंशन है वो शोवा के यूज़ किए गए हैं ऑन द BS650. बोथ फ्रंट एंड रेयर, रेयर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से इसकी जो डैम्पिंग क्वालिटी है इट फील्स गुड. ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो गया है. सो नाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 180 और 184 mm समथिंग द ग्राउंड क्लियरेंस इज. ये आपके ये मतलब बहुत एक अच्छी चीज़ हो गई है. सो लाइक नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि भाई दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, इंटरसेप्टर या बियर 650 में से, बिकॉज इंटरसेप्टर थोड़ी सी लो है. सो और ऑफ रोडिंग जिनको टूरिंग बेसिकली ज़्यादा करनी है उसमें मेरे हिसाब से अब जो है BS 650 एक ऑप्शन और आ जाता है विद द सेम इंजन एंड मोर टॉर्क. सो ये जो इंजन है ये थोड़ा सा टॉर्क ही ज़्यादा है जिससे आपको काफ़ी एक मतलब ऑन द टॉलर गियर्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आप जैसे मैं इसे 6th gear पे चला डाल दिया है अभी एंड लेट मी ब्रिंग डाउन द स्पीड टू 40, 38, 37, 35, 34 एंड यस अभी भी ये बाइक उठ गई भाई 6th gear से 34 की स्पीड में. दिस इज व्हाट वी लाइक ऑन द रॉयल एनफील्ड एंड आफ्टर बीइंग अ 650cc इंजन ये शो करता है कितनी ट्रैक्टेबिलिटी आपको मिल जाती है इस इंजन के साथ. सो विच इज़ अ गुड थिंग एंड डिज़ाइन वाइज कंपनी ने इम्प्रूवमेंट्स करे हैं. So talking about the pros and cons of this motorcycle, I think the pros is first of all the design, it looks premium compared to the Interceptor. Thodi si aapko zyada better lagegi, mujhe to personally ye thodi si look wise zyada better lagi thoda sa kyunki uth gayi hai, iska ek stance alag create ho raha hai dekhne mein. You get different kinds of colors, so wo bhi hai kafi achhi color schemes basically iske andar kafi achhi di gayi hai. And then यू गेट द गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड, तो ये तो एक ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड के साथ अब एडवांटेज हो ही गया है, विच इज़ द फर्स्ट ऑन मोटरसाइकिल गूगल मैप्स. एंड नेक्स्ट इज़ द इंजन 650cc के अंदर ये इंजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी रिफाइनमेंट के साथ है और काफ़ी पावर जनरेट कर देता है. सो ऑब्वियसली इंजन इज़ द बिग रीज़न टू बाय दिस मोटरसाइकिल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वेट, थोड़ा सा मार्जिनली कम हुआ है बट
एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी वो डबल एग्जॉस्ट को हटा के आपका सिंगल साइड एग्जॉस्ट आ गया, जिसकी वजह से बाइक थोड़ी सी प्रोपोर्शनेट लगती है। दो टू एग्जॉस्ट जो कि वाइड निकले हुए थे वो ट्रैफिक मैन्यूवरेबिलिटी में आपके कहीं ना कहीं टच होके ना उन पर स्क्रैचेस बहुत पड़ते हैं, तो सिटी में चलाते वक्त आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ कॉन। सो अब मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के कॉन्स के बारे में। सो लाइक वेट मेजरली बीइंग अ स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल, अगर आप सोच रहे हो कि ये बाइक बहुत हल्की है बहुत फ्लिकेबल है, सो ऐसा नहीं है। यू गेट द पावर, यू गेट द बिगर इंजन, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द स्क्रैम्बलर टाइप ऑफ मोटरसाइकिल, जो कि मतलब जैसे अगर आप डुकाटी स्क्रैम्बलर्स वगैरह ले लो, इनफैक्ट द जावा स्क्रैम्बलर और द जो 411 स्क्रैम्बलर है, राइट? सो ये एग्जैक्टली वैसा आपको नहीं दिखेगी, ये दिखने में ही मोर सिटी फोकस लगती है। सो सेकेंड पॉइंट पे वहीं आ जाते हैं कि बाय लुक इट डजेंट लुक लाइक अ प्रॉपर स्क्रैम्बलर, दो इट हैज़ अ बिगर व्हील बट इट डजेंट अपीयर टू बी अ स्क्रैम्बलर। सो या ये दो कॉन्स मेरे को जो लगे। रॉयल एनफील्ड को डेफिनेटली इस कैटेगरी के अंदर थोड़ा वेट मैनेजमेंट करने की कोशिश तो करनी चाहिए, विच आई फील की भाई हो जाए तो ज़्यादा बेटर ये मोटरसाइकिल ये कैटेगरी को टारगेट कर सकती है रॉयल एनफील्ड। एंड या अदरवाइज इट इज़ अ कम्प्लीट पैकेज फॉर यू, राइट क्वालिटी, स्मूथ इंजन, साउंड्स नाइस, एंड ओवरऑल बाइक इज़ रियली ग्रेट। सीटिंग की मैं आप बात करूँ तो यहाँ पे सीट जो है अभी मैं थोड़ी देर से चला रहा हूँ एंड एक्चुअली मेरे को बैक में पेन होने लग गया थोड़ा थोड़ा, सो आई थिंक सीट्स आर नॉट दैट ग्रेट फॉर सिटी मैनूवरेबिलिटी। मैं अभी मेरे को कितना ही टाइम हुआ इस बाइक को चलाते हुए राइड करते हुए, लाइक मुश्किल से आधा घंटा, लेकिन मेरे को बैक में थोड़ा पेन होना शुरू हो गया बिकॉज सीट्स आर नॉट दैट ग्रेट, ऐसा मेरे को फील हो रहा है अभी। सो या यू ऑल्सो गेट दी एडजस्टेबल लीवर ऑन दिस मोटरसाइकिल, तो ये एक एड ऑन रॉयल एनफील्ड ने कराया जो कि इंटरसेप्टर के अंदर अभी आपको नहीं मिलता, बट बेयर 650 में आपको ये चीज़ ऑफर हो जाती है विच इज़ दी एडजस्टेबिलिटी। आप अपने अकॉर्डिंगली राइडर, कोई भी राइडर अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करके इस बाइक को चला सकता है, विच इज़ अगेन अ गुड एड ऑन। एंड या सो दिस इज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द रॉयल एनफील्ड बेयर 650। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, and if you like the video do not forget to like, subscribe and share the channel. I will meet you in my next video with another beautiful motorcycle. Till then, stay tuned.